नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और आज हम लोग देखेंगे निराला स्टेट फेज टू में 3 BHK फ्लैट की एक्चुअल वीडियो, जिसका साइज होगा 1270 स्क्वायर फीट। तो अपार्टमेंट को देखने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं सोसाइटी और कनेक्टिविटी के बारे में। तो बात करें कनेक्टिविटी की, तो ये लोकेटेड है नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर टैग जोन 4 में। मैं बात करूँ कनेक्टिविटी की, तो आपने गौर चौक का नाम जरूर सुना होगा। तो गौर चौक से अप्रॉक्सीमेट आप 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच में चलते हैं तो मेन रोड का ये प्रोजेक्ट हो जाता है लेफ्ट हैंड पर। अगर आप नोएडा की तरफ से आ रहे हैं तो गौर चौक से आपको राइट लेना होता है। अगर आप NH24 की तरफ से आ रहे हैं तो गौर चौक से आपको सीधा आना होता है, बट आप यू टर्न करके आते हैं तो अप्रॉक्सीमेट गौर चौक से 1.5 से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है। इसके अलावा निराला स्टेट के जस्ट सामने से एक रोड निकली हुई है जो कि नोएडा को कनेक्ट करती है। तो सेक्टर 76 में मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है सेक्टर 76 मेट्रो स्टेशन की। तो ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। बात करें प्रोजेक्ट की, तो निराला स्टेट फेज टू में आपको टोटल 5 टावर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको 2 और 3 BHK के ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे छोटा साइज होता है 995 स्क्वायर फीट और सबसे बड़ा साइज होता है 1897 स्क्वायर फीट। इसी तरह से यहाँ पर फेज़ 3 और फेज़ 4 को भी लॉन्च कर दिया है, वहाँ भी आपको 995 से लेकर 1897 स्क्वायर फीट तक के अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं सीधा एक्चुअल फ्लैट पर और देखते हैं एक्चुअल फ्लैट की वीडियो। और अगर आप इस प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं सीधा अपार्टमेंट पर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं कॉरिडोर एरिया में। तो आप ये देखते हैं पूरा कॉरिडोर एरिया हो जाता है। इस फ्लोर पर टोटल 4 फ्लैट हैं और आपको 2 लिफ्ट्स मिल जाती हैं। टावर की हाइट की मैं बात करूँ तो टोटल ये 24 फ्लोर की हाइट है और ये हमारे फ्लैट की एंट्रेंस हो जाती है। इस फ्लैट का साइज होता है 1270 स्क्वायर फीट। ये 3 BHK प्लस 2 वॉशरूम का फ्लैट है। तो चलिए अब इसको देखते हैं। तो ये आपकी एंट्रेंस हो जाती है। एंट्रेंस के साथ आपको काफ़ी स्पेसियस ड्राइंग और डाइनिंग का एरिया मिल जाता है। आप देख सकते हैं 1270 स्क्वायर फीट में आपको काफ़ी स्पेसियस ड्राइंग और डाइनिंग का एरिया मिल जाता है। साथ ही आपको एक कनेक्टेड बालकनी मिल जाती है। मैं आपको बालकनी का एरिया दिखाता हूँ। तो ये आपका बालकनी का एरिया हो जाता है। बट इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, जहाँ तक आपको ये शैडो दिख रही है आपको इतना ही स्पेस बालकनी का मिलने वाला है नॉर्मल 1270 स्क्वायर फीट के साइज़ में। एक्चुअली यहाँ पर आपको डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी मिलती है, उसकी वजह से ये एरिया एक्स्ट्रा निकल जाता है। एक्चुअल में आपको यही स्पेस मिलता है, जिस तरह से आप ये देख सकते हो ऊपर बालकनी का स्पेस, तो आपको इतना ही स्पेस आपको मिलता है आपके फ्लैट में। चलिए अब देखते हैं इस फ्लैट के दूसरे पार्ट्स को। तो ये हमने पूरा ड्राइंग और डाइनिंग का एरिया देखा और ये आपको एक गेस्ट बेडरूम मिल जाता है जो कि आपका सबसे पहला बेडरूम होता है। तो ये आपका सबसे पहला बेडरूम है। आपको कबर्ड के लिए स्पेस मिल जाता है, एक विंडो मिल जाती है जिससे आपको वेंटिलेशन रहता है आपके पूरे घर में। तो ये आपका बेसिकली डाइनिंग का एरिया हो जाता है और ये वाला आपको पूरा ड्राइंग एरिया हो जाता है। चलिए अब देखते हैं किचन एरिया को। तो ये आपका पूरा किचन का एरिया हो जाता है। किचन में आपको दोनों तरफ स्लैब्स मिल जाती हैं, फ्रिज के लिए आपको एक डेडिकेटेड स्पेस मिल जाता है, साथ ही आपको एक यूटिलिटी बालकनी भी मिल जाती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बालकनी का स्पेस। तो कुछ इस तरह से आपको किचन मिलती है और ये आपको यूटिलिटी बालकनी के लिए स्पेस मिल जाता है और ये सोसाइटी की इंटरनल रोड हो जाती है। और ये जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं भूटानी ग्रैंडथम प्रोजेक्ट है जो कि ऑफिस स्पेस के टावर्स हैं। ये इनके लो राइज रिटेल कॉम्प्लेक्स हैं, ये इनके हाई राइज टावर्स हैं जिसकी हाइट अप्रॉक्सीमेट 30 से 34 फ्लोर होगी। चलिए देखते हैं फ्लैट के और भी पार्ट्स को। तो ये हमने पूरा किचन का एरिया देखा, ये सबसे पहला बेडरूम हम लोगों ने देखा जो कि गेस्ट बेडरूम की तरह यूज़ हो सकता है और हम लोगों ने यहाँ से एंट्री करी है। तो ये आपका सेकंड बेडरूम हो जाता है और ये आपके एक गेस्ट वॉशरूम कह सकते हैं या कॉमन वॉशरूम कह सकते हैं। तो ये आपको पूरा वॉशरूम का एरिया है, वॉशरूम में आपको सारी फिटिंग्स मिलती हैं। और आपका एक बेडरूम ये हो जाता है, मैं आपको पहले ये वाला बेडरूम दिखाता हूँ। तो इस बेडरूम में आपको सेपरेट कबर्ड के लिए स्पेस मिल जाता है और साथ ही आपको बालकनी भी मिल जाती है। मैं आपको बालकनी का एरिया दिखा देता हूँ। तो ये पूरी आपकी बालकनी होती है। चलिए अब देखते हैं मास्टर बेडरूम को। तो ये आपका मास्टर बेडरूम हो जाता है और थर्ड बेडरूम भी हो जाता है। तो ये आपका पूरा मास्टर बेडरूम है, साथ में आपको कबर्ड के लिए स्पेस मिल जाता है और आपको एक सेपरेट वॉशरूम मिल जाता है। तो ये पूरा आपका वॉशरूम का एरिया हो जाता है।
और यहाँ भी आपको एक सेपरेट बालकनी मिल जाती है। मैं आपको बालकनी दिखाता हूँ और वहाँ से व्यू भी दिखाता हूँ। तो ये आपकी मास्टर बेडरूम की बालकनी है और यहाँ से आपको कुछ इस तरह का व्यू आता है। तो अभी हम लोगों ने इस फ्लैट को कम्प्लीटली देख लिया है। अगर आप इस प्रॉपर्टी को विजिट करना चाहते हैं या अगर आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।